अलीगढ़ पुलिस डिटेन आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान। अलीगढ़ जाते हुए महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान को अलीगढ़ प्रशासन ने रास्ते में रोक लिया। पूर्व आईपीएस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए व एनआरसी के विरोध में हो रहे छात्रों के धरनों में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस और मजिस्ट्रेट ने उनको लोधा थाने में रोक लिया और वापस भेज दिया। पूर्व आईपीएस ने भी प्रशासन की बात को माना और उनके साथ कोऑपरेट किया। पूर्व आईपीएस ने बताया कि आज अलीगढ़ में छात्रों के बीच मुझे इनवाइट किया गया था। छात्रों को गाइड करना हमारा फर्ज है। मुझे अलीगढ़ प्रशासन ने कहा कि अलीगढ़ में स्थिति ठीक नहीं है, इनको कोऑपरेट करूंगा। मैंने इनको कहा है कि मैं अगली बार आऊंगा और मुझे इसकी परमिशन दी जाए। मैं सीए के विरोध में हर जगह जाऊंगा। मैं बच्चों को समझाऊंगा कि अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। सर, आज आप अलीगढ़ एएमयू जाने वाले थे, क्या हुआ, कहां रोक लिया गया, क्या हुआ है? देखिए, आज अलीगढ़ एनआरसी सीए और एनपीआर के विषय पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनवाइट किया था और मैं वहाँ पे जाने वाला था और लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं वहाँ जा रहा था, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ जाना अभी ठीक नहीं है और मुझे थाने लेकर के आया गया और ये थाना पता नहीं नाम क्या है, लोधा पुलिस स्टेशन में मुझे लाया गया और यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने मुझे लिखित दिया है और मैं कोऑपरेट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, इनकी बातों को मैं नहीं तोड़ूंगा और मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैंने इन्हें कहा है कि एनआरसी सीएए और एनपीआर पर बच्चों को या कोई और जो एजुकेशन चल रहा है वहाँ पर मैं एजुकेट करूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो बच्चे प्रशासन से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एकेडमिक जो वहाँ पे माहौल है वो ख़राब कर रहे हैं, उनको इस बारे में भी मैं समझाऊंगा कि इस तरह करना ठीक नहीं है। तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊं तो मैंने कहा है प्रशासन को कि मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। वहीं अपर सिटी मजिस्ट्रेट रंजीत सिंह ने बताया एएमयू में आईपीएस अब्दुल रहमान जिन्होंने वीआरएस दिया हुआ है वो जा रहे हैं। एएमयू में धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं। हमने इनसे अनुरोध किया और इन्होंने माना, ये वापस चले गए। सर, आईपीएस जो एएमयू जाने वाले थे उनको यहाँ लोधा थाने रोक दिया, क्या मामला? देखिए, हम लोगों को जानकारी ये मिली कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो धरनारत छात्र हैं वह एक आईपीएस अब्दुल रहमान जो महाराष्ट्र कैडर के हैं जिन्होंने अपना वीआरएस ले रखा है उनको आमंत्रित कर रहे हैं। चूँकि वर्तमान में बहुत मुश्किल से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को हम लोगों ने सुधारा है और धीरे धीरे सभी चीज़ें पटरी पर आ रही हैं और 144 भी लागू है, इसलिए हमने इनसे अनुरोध किया कि आपके जाने से हो सकता है वहाँ का माहौल ख़राब हो सके तो आप वापस चले जाएँ। तो उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ से वो वापस चले गए। प्रशासन के कदम का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने ऐतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारे मेहमानों को आने से रोक रहा है। खबर जगत अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। किसका प्रोग्राम था आज आपके यहाँ, क्या रखा? अब्दुल रहीम साहब आईपीएस थे ये महाराष्ट्र में, वो आ रहे थे, आज हमारे चीफ गेस्ट थे उस प्रोग्राम के और उन्होंने रिज़ाइन दिया था। इसी सीएबी जब आया था, एक्ट आया था तो काले कानून के खिलाफ उन्होंने सरकार को नोट ऑफ डिसेंट के तहत उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। आज वो यहाँ पर गेस्ट के हैसियत से आ रहे थे, उनको लोधा थाने में अलीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट में या कौन सा आपको ताकत दी गई है, कौन से ऐसे पावर दी गई है कि किसी को बोलने से रोका जाए? तो डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, राइट टू स्पीच का वायलेशन है। हमारा प्रोग्राम था, वो आते, तकरीर करते, चले जाते। अगर आपको ये लगता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता था कि अगर कोई चीज़ वो गलत कर देंगे, पहले से उनके पास पता हो जाता है, उनको स्क्रिप्ट उनके बारे में पता हो जाता है, अगर उनको ये लगता है कि कुछ आकर के बोल जाएंगे तो आपके पास इतनी पावर है कि आप मुकदमा करिए। आपको वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। आपने मुकदमा कर रखा है ऑलरेडी, कई मेहमानों पर मुकदमा कर रखा है। उस दिन यशवंत सिन्हा आ रहे थे, उस दिन उनको भी रोक दिया गया। हमारे यहाँ प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम में आने ही नहीं दिया जा रहा है तो हम कैसे लड़ेंगे सरकार के खिलाफ? एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं दे रहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं दे रहा, एमयू एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं दे रहा। सरकार के खिलाफ हम लड़ना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं,
हमारे पास संविधान होते हुए भी हमें संविधान का पालन नहीं करने दिया जा रहा है, तो कैसे हम कहेंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं? हमें दुम दर्जे का नागरिक वैसे ही बना दिया गया है कि हमें अपनी बात को रखने के लिए नहीं जो है कोई मेहमान बुलाने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही है। किसने बुलाया था इनको? यहाँ हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से वो चीफ गेस्ट थे आज प्रोग्राम में जो हमारे यहाँ एमयू कैंपस में चल रहा था। कौन साहब हैं ये? अब्दुल रहीम, आईपीएस, एक्स आईपीएस ऑफिसर।